हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पपीता और नींबू को एक साथ मिलाकर खाने के फायदे के बारे में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पपीता हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से हमें हमारे शरीर के बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम पपीते के साथ नींबू मिलाते हैं तो इससे हमें और भी ज़्यादा फायदे मिलते हैं। दोस्तों, पपीते और नींबू को मिलाकर खाने से हमारे शरीर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, फाइबर, पाइपिन एसिड, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम और बहुत सारे खनिज लवण भी। साथ ही दोस्तों, इसमें पेक्टिन फाइबर भी होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर के बहुत सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आप इसका निरंतर उपयोग करते हैं तो इससे आपकी लीवर सही रहती है। यह आपके खाना हजम करने की शक्ति को बढ़ाती है जिससे आपकी लीवर की समस्या नहीं होती है। साथ ही ये आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल घटाकर गुड कोलेस्ट्रॉल बनाती है जिससे आपके हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होती और आपके नर्वस सिस्टम को भी सही करती है। दोस्तों, अगर हम इसका सेवन रोजाना करते हैं तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर हम पपीता और नींबू को मिलाकर खाते हैं या इन दोनों का जूस मिलाकर भी पीते हैं तो भी ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी को कैंसर है तो इसके सेवन से कैंसर के सेल्स भी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, चाहे वो किसी भी तरह का कैंसर क्यों ना हो, पपीता और नींबू के निरंतर उपयोग से आप अपनी सौंदर्य भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ब्यूटी के लिए भी पपीता और नींबू बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको आप रोजाना खा भी सकते हैं और इसे आप अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं। इसके निरंतर उपयोग से आपकी त्वचा निखर जाएगी और अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे के दाग धब्बे हैं तो इससे भी छुटकारा दिलाता है पपीता और नींबू का मिश्रण। दोस्तों, अगर किसी को आँखों की रोशनी की समस्या है, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम उम्र में उन्हें चश्मा लगाना पड़ता है क्योंकि उनकी आँखों की रोशनी कम हो जाती है, तो उन्हें रोजाना पपीता और नींबू का रस या फिर पपीता और नींबू मिलाकर देने से उनकी आँखों की रोशनी बढ़ती है। और अगर वो चश्मा या फिर लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ आँखों की रोशनी कम होती है। अगर इस समय भी अगर आप नींबू और पपीते का मिश्रण या फिर पपीते के साथ नींबू मिलाकर खाते हैं तो आपको इससे छुटकारा मिलता है। इसके निरंतर सेवन से आपको भूख लगती है और आपको कब्ज से छुटकारा मिलता है। अगर आप मोटे हैं तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल घटाता है जिससे आप अपनी चर्बी घटा सकते हैं। इसके निरंतर उपयोग से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क करता है जो कि आपको चर्बी घटाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आप इसका निरंतर उपयोग करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है, जैसे पेट की समस्या, आँखों की समस्या या फिर त्वचा की समस्या, पाचन तंत्र की समस्या, इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। साथ ही आपके लीवर को और हार्ट को बहुत ही तंदुरुस्त करता है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी पपीता और नींबू छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, आप पपीते के स्लाइस में नींबू लगाकर खा सकते हैं। इसके साथ काला नमक या फिर सेंधा नमक का उपयोग करें, ये आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर आप इसका जूस इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आप 2 चम्मच पपीते के रस में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर रोजाना सुबह खाली पेट लें। ऐसा करने से भी आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो देखा दोस्तों, अगर आप नींबू और पपीते को एक साथ मिलाकर खाते हैं तो आपको कितनी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही ये आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप आज से ही पपीता और नींबू को मिलाकर खाएंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ।
मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।